तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर तुम लोगों ने 2018 से लेकर अभी तक तुम्बाड़ फिल्म नहीं देखी है, जाकर देखो। मतलब तुमको फील आ जाएगा कि सिनेमा किसे कहते हैं, कहानी किसे कहते हैं। यार इस फिल्म की जितनी भी तारीफ की जाए ना, उतनी ही कम है। सो फाइनली आज का यह वीडियो इसी फिल्म के ऊपर होने वाला है। तो अगर तुम लोगों ने पहले से ये फिल्म देख रखी है तो फटाक से एक शब्द लिख दो कमेंट बॉक्स में इस फिल्म के लिए, इसे पढ़कर मजा आ जाए। ये फिल्म रिलीज हुई थी 12 अक्टूबर 2018 को। उस समय इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए फिल्म मेकर्स के पास पैसे नहीं बचे थे, जिसकी वजह से ये फिल्म थिएटर में ज्यादा चली नहीं और थिएटर से निकल गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छी फिल्में भले ही थिएटर से निकल जाएं, लेकिन इंसान के दिमाग से कभी नहीं निकलती है। और इसीलिए इस फिल्म को 13 तारीख को री रिलीज किया गया है। और इस फिल्म ने 3 दिनों में, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब इस फिल्म को रिलीज हुए 3 दिन हुए हैं, और 3 दिनों में इस फिल्म ने 7.34 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। ये फिल्म 6 साल बाद रिलीज की गई और इस फिल्म ने 125% बढ़ोतरी की कमाई की कंपेयर टू जब इस फिल्म को रिलीज किया गया था तब से, जिससे यह साबित हो जाता है कि एक अच्छी फिल्म जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। अब जिन लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी, उन्हें यह फिल्म क्यों देखनी चाहिए? तो देखो, ऐसी फिल्में हिंदुस्तान में लगभग ना के बराबर बनती हैं। इस फिल्म को आप ये कहकर खत्म नहीं कर सकते हैं कि ये एक हॉरर फिल्म है। एक हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि ये दादी माँ की कहानी है। मतलब जैसे हम लोग बचपन से सुनते आए कि एक राजा होता था, उसके वहां एक राक्षस होता, तो राक्षस के पास बहुत सारा सोना खजाना होता था, लेकिन शर्त यह होती थी कि अगर आप वो सोना खजाना लेने जा रहे हो तो अगर उस राक्षस ने आपको छू लिया तो आप भी राक्षस बन जाओगे। ये उस टाइप की फिल्म है। और ऐसी फिल्म मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में बनती है। अगर कंपेयर करोगे तो मेरे हिसाब से ऐसी फिल्म सिर्फ एक ही बनी थी, वो हातिम ताई, जिसमें शायद लीड रोल प्ले किया था जितेंद्र ने। तो इसीलिए इस फिल्म को आप एक हॉरर फिल्म बोलकर खत्म नहीं कर सकते हो। एक्शन है, ड्रामा है, थ्रिलर है, डर भी लगता है। और सबसे मेन जो इस फिल्म की कहानी है वो लाजवाब है। फिल्म की कहानी का कोई तोड़ नहीं है। तो मतलब अब जिन लोगों ने इस फिल्म को 2018 में नहीं देखा था, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस फिल्म को देखकर आ रहे हैं और इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। वाकई में ये फिल्म तारीफ करने लायक है। और इस फिल्म की जो स्टोरी है वो बेसिकली लालच के ऊपर बेस्ड है। स्पेशली फिल्म में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो लालच है वो एक बुरी बला है। इस पंक्ति का अर्थ आपको ये फिल्म बहुत ही अच्छी तरीके से समझा देगी। देखो, इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। ऐसी फिल्में हमारे देश में ना के बराबर ही बनती है। हमारे देश में तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए फिल्में बनाई जाती हैं। अगर एक फिल्म अच्छे से चल गई तो जब तक कि उस फिल्म की माँ बहन एक न कर दो, तब तक उसके 2-4 पार्ट बनाते रहो, पूरा यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर लो। लेकिन ये फिल्म इस कैटेगरी की फिल्म नहीं। इस फिल्म को कंप्लीट करने में मेकर्स को पूरे 6 साल लग गए थे। हमारे अक्षय कुमार तो 6 साल में 50 फिल्में निकाल देता है। इस फिल्म में जितने भी एक्टर, डायरेक्टर, लेखक, प्रोड्यूसर सब ने अपनी जी जान लगाकर मेहनत की थी, जिसकी फीलिंग फिल्म के हर एक सीन में नजर आती है। इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है ना, वो एकदम इन्फिनिटी है, जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। इस फिल्म के बीफिक्स के लिए स्वयं साजो, इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी और एक्टर भी, अपनी प्रॉपर्टी तक बेचने को तैयार हो गए थे सिर्फ इस फिल्म को एक अच्छा सा बीफिक्स देने के लिए। क्योंकि ये बात थी 2018 की, अब तो बीफिक्स एक आम बात हो गई, हर एक फिल्म में बीफिक्स का इस्तेमाल होता है। और ये बीफिक्स वाली बात तुम तब रियलाइज करोगे जब इस फिल्म को तुम थिएटर में बैठकर देखोगे। और ये जो इस फिल्म में बारिश हो रही है, कोई आर्टिफिशियल बारिश नहीं, बल्कि ये रियल की बारिश है। इस फिल्म के मेकर्स इंतजार किया करते थे कि कब बारिश आएगी, तब हम फिल्म की शूटिंग को आगे बढ़ाएंगे। मतलब तुम बारिश तो आर्टिफिशियल करा ले जाओगे, लेकिन ये जो क्लाउड होता है वो कहां से लेकर आओगे? और इस फिल्म में जो क्लाउड है वो एक नंबर का है मेरा भाई। मतलब पिक्चर ऐसी बनाओ कि 4-5 दिन नहीं बल्कि 6 साल बाद भी लोग उसे देखने के लिए थिएटर तक जाएं। और इस बात को सिद्ध करके दिखाया है तुम्बाड़ फिल्म ने। देखो, सिनेमा कभी कभी आपको जादू दिखाता है, तुम्बाड़ फिल्म में जादू देखने को मिलता है। तो आप ये मौका अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने दे, इस फिल्म को पूरी तरह से एंजॉय करें। अपने एक आध दो दोस्तों को भी फिल्म के लिए ट्रैप करके ले जाएं थिएटर तक। और अगर तुम लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी है तो जाकर देख लो भाई, तुम एक बहुत बड़ा सिनेमा कॉन्टेंट मिस कर रहे हो। इस फिल्म को ना देख करो। अगर तुम्बाड़ फिल्म देखने जा रहे हो तो पूरी लास्ट तक देखना। लास्ट में एक बहुत ही गजब की अपडेट है जो आपको बहुत कुछ बताएगी। तो तुम थोड़ा वेट करो, मैं तुमसे फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना।